अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहराब मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त आप मुझे ARY डिजिटल के पोर्टल पर देख रहे हैं। फॉर मोर एक्साइटिंग न्यूज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ARY डिजिटल। भाई बहुत देखे ऐसे हिटलर बाप की बेटी। एक हफ्ते में तुम देखना जैन का जादू उसके सर पे चढ़ के ना बोला ना। लेकिन कुछ नहीं, शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे पापा आने वाले हैं और जरा उनके सामने हंसती हुई आना, उन्हें ये ना लगे कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है। दुखड़े मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कॉलेज जा रही हो? जी अम्मी, बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, थोड़ा जाना जरूरी है। अच्छा, ये माहीन नहीं जागी है अभी तक? माहीन माहीन उठ जाओ बेटा, देर हो गई है। ना मुश्किल काम है ना इस लड़की को जगाना, उठ जाओ माहीन। अम्मी छोड़े ना, आपको पता है अभी इसके उठने का टाइम नहीं हुआ है। बेटा तुम्हारी फूफो आई हुई है, उठे किचन में मेरे साथ चले, नाश्ता बनाने में मेरी हेल्प करे। पता नहीं इसको कब लगाओ होगा घर के कामों से। आप छोड़े मैं चलती हूँ, मुझे बताएं क्या काम है। अच्छा बेटा, मेरे लिए भी लगा दीजिएगा। जब जाग रही हो तो उठ जाओ ना। मुझे सुबह सुबह ना फूफो का मुंह देखने का कोई शौक नहीं है। तुम इतना क्यों चिढ़ती हो उनसे? वैसे तुम्हें नहीं पता मैं क्यों चिढ़ती हूँ? क्योंकि वो अम्मी से चिढ़ती हैं। जब भी हमारे घर आती हैं कभी अम्मी से ढंग से बात नहीं करती, इसलिए मेरा भी दिल नहीं करता। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अगर हम भी इस तरह करेंगे तुम्हारे माँ बाप की तरबियत पे सवाल नहीं उठेगा। बस कर दो दादी अम्मा, जाओ कॉलेज जाओ, वहाँ जाके अपना टेस्ट दो, मैं जाती हूँ अम्मी की हेल्प कराती हूँ। वैसे तुम बड़ी कुछ स्वीट हो। वो तो मैं माँ मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। रुको किंजा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी बेटे। हाँ माँ, लेकिन बाद में, अभी यूनिवर्सिटी जाने देर हो रही है। अभी नहीं तो फिर कब? तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे किस बारे में बात करनी है। हम प्लीज शाम में कर सकते हैं, अभी हसन मेरा वेट कर रहा है, मुझे जाना है। हसन हसन हसन, तंग आ चुकी हूँ मैं ये नाम सुन सुनकर, कभी तुम्हारे मुंह से और तुम्हारे पापा के मुंह से। क्या हो गया, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? दोस्त है मेरा और कजिन भी तो है मॉम। बचपन की दोस्तियां बचपन तक ही ठीक लगती हैं, और मैं बच्ची नहीं हूं जो जानती नहीं हूं कि तुम्हारे ख्यालों में क्या चल रहा है। कान खोलकर सुन लो, मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हसन से नहीं हो सकती। अब क्या कह रही है ये? वही जो तुम सुन रही हो। अब अंदर जाओ, आज शाम को कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। मॉम लेकिन अंदर जाओ। वाह भाई, बहुत अच्छा बना हुआ था, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई के रिस्क में बहुत बरकत दे भाई। आमीन। माहीन बेटा ये उठा लो बर्तन बेटे, ये ले लो मेरा बच्चा। बानो अगर तुम कहो तो मैं हसन से कह दूं तुम्हें छोड़ आए। अल्लाह माफ करे भाई, अभी जो मैंने खाया है वो मेरे हलक से भी नहीं उतरा और तुमको फिकर पड़ गई मुझे घर भेजने की। तुम गलत समझ रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा बस बस, मैं सब समझती हूँ। अरे सब समझती हूँ आपके मतलब में। फूफो आप गलत समझ रही हैं, अम्मी का ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छा मैं गलत समझ रही हूँ? हाँ तुम माँ बेटियां मुझे ही गलत है, गलत मैं हूँ, जाहिल मैं हूँ, बस अकलमंद तो एक तुम हो और एक तुम्हारी माँ। आप हमारी हर बात को इतना गलत क्यों समझती हैं? अम्मी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। चुप हो जाओ माहीन, ये क्या बदतमीजी है, ये तमीज सिखाई है मैंने तुम्हें? मैंने क्या बोला है अम्मी, मैं सही बात कह रही हूँ। माफी मांगो, चलो माफी मांगो। मैं किस बात की माफी मांगू? बड़ी है तुमसे, बदतमीजी किया तुमने भूखो के साथ। अरे बस रहने दो, मांग ली इसने माफी।
बदतमीज से खाई होती ना तो ये वक्त नहीं देखना पड़ता। सॉरी। क्या कह रही हूँ? माफ कर दे मुझे। अरे तो आहिस्ता बोलो ना, बह रही हूँ क्या मैं? पप्पो सदके जाए, माँ सदके, कोई बात नहीं मेरी बेटी, जा जाके देखो वो हसन अगर तैयार हो गया तो उसे कहो मुझे छोड़ आए, छाजे के लिए दोपहर का खाना भी बना दूंगा। जा मेरी बच्ची। बचपन की दोस्तियां बचपन तक ही ठीक लगती हैं, और मैं बच्ची नहीं हूं जो जानती नहीं हूं कि तुम्हारे ख्यालों में क्या चल रहा है। कान खोलकर सुन लो, मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हसन से नहीं हो सकती। लड़की भी ना मुझे तंग किए बगैर नहीं रह सकती। नहीं निकलता बेटा तू आगे मुझसे। जल्दी बताओ क्यों बुलाया? ये ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी आई हो, बैठो आराम से बात करते हैं। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ किसी ने क्या खूब कहा है। ऐसे खूबसूरत चेहरों को धोखेबाजी ही जेब देती है। इंतहाई फजूल कहा है जिसने भी कहा है। जल्दी से बताओ काम क्या है। यार पता है तुम हर वक्त जल्दी में रहती हो, कभी मेरे पास आने की जल्दी, कभी मुझसे दूर जाने की जल्दी। क्या फजूल बकवास कर रहे हो, मैं जा रही हूँ। मजाक कर रहा था यार, क्या हो गया? नाराज हो गई तुम तो यार। अच्छा बताओ कुछ ठंडा मंगवाऊं तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए? बहुत शुक्रिया, ना मुझे कुछ खाना है ना पीना है। ये बताओ क्या प्रोग्रेस है, शर्त जीत रहे हो या हार रहे हो? एक्सक्यूज मी, ज़ैन को हराना नामुमकिन है मेरा डार्लिंग। तुम्हारा यही ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें हरा देगा। बाय द वे मुझे चैलेंज मत करो, I'm sure अब तक उसने मेरे बारे में सोचना भी शुरू कर दिया होगा। कुछ फहमी है तुम्हारी जनाब, वो अभी भी तुम्हारी कॉल पर अपने उस हिटलर बाप से डरती होगी। भाई बहुत देखी है ऐसे हिटलर बाप की बेटी। एक हफ्ते में तुम देखना जैन का जादू उसके सर पे चढ़ के ना बोला ना। ओके, we'll see। तुम सुनाओ, तुम्हारा वो मंगेतर आजकल कौन सी नसीहतों के लेक्चर दे रहे हैं? ओह शट अप, तुम फिर नाराज हो गई? ये शट अप वाला लेक्चर दे रहे हैं। अब कुछ खाने के लिए भी मंगाओगे? ऐसी मुंह देखोगे मेरा? तो बोलो ना यार कोई। वेटर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसमें मैं बस का वेट कर रही हूँ, पता नहीं आज इतना लेट कैसे हो गए। आजो मैं छोड़ देता। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस आती होगी मैं चली जाऊंगी, नहीं आई तो रिक्शा में चली जाऊंगी। समरीन आज स्ट्राइक है ट्रांसपोर्ट, रिक्शा बस कुछ नहीं मिलेगा, आजो छोड़ देता। ये तो मैं भूल ही गई। ठीक कह रहा हूँ, आ जाओ, सेफ नहीं है यहाँ खड़े होना, चलो। लेकिन जिद्दी लड़की, बैठो छोड़ आओ ना।
किंजा बेटे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बेटा अभी तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हैं, मुझे पता है, लेकिन यकीन करो वक्त गुजरने के साथ साथ यही बातें तुम्हें बहुत याद भी आएंगी। मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला है और मैं सब कुछ जानते बूझते हुए तुम्हें इतना मुश्किल फैसला करते हुए नहीं देख सकती। औलाद कभी हालात को उस नजर से नहीं देख सकती जिस नजर से वालिदैन देखते, और माँ बाप तो हमेशा औलाद के लिए अच्छा फैसला करते हैं बेटे। हाँ मॉम, लेकिन आप मेरी बात भी तो समझने की कोशिश करें। लेकिन कुछ नहीं, शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे पापा आने वाले हैं और जरा उनके सामने हंसती हुई आना, उन्हें ये ना लगे कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है। ये जबरदस्ती ही हो रही है मेरे साथ। अच्छा बस, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों फोन कर रहा है मुझे? प्लीज मेरी कॉल रिसीव करो, इसका मुझसे क्या जरूरी काम हो सकता है? माहीन, अब वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो क्या काम है? क्या तुमने मुझे वाकई में मतलब माफ कर दिया? प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम किस चीज की माफी मांग रहे हो। प्लीज इस तरह से मुझे फोन मत करो, गिल्टी क्यों फील कर रहे हो इतना? तो मैं तुम्हें अपने गिल्ट की वजह बता चुका हूँ। देखो जैन, मुझे किसी उलझन में नहीं पड़ना, प्लीज मुझे आइंदा फोन मत करना, सही है? हेलो हेलो हेलो, तुमने दिल से माफ नहीं किया, मुझे फील हो रही है ये बात। मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया, खुश? थैंक यू माही, तुम नहीं जानती तुमने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करना। अच्छा सुनो, तुम बहुत अच्छी हो और दिल की भी बहुत साफ, और मुझे तुम्हारे जैसे मुखलिस दोस्त की सख्त जरूरत है। जानता हूँ तुम मना कर दोगी मुझे, लेकिन इस बारे में सोचना था। तुम्हारे बालों में, वाह भाई वाह। वैसे तो अब्बू की लाडली हो ही, तो अम्मी से भी लाड उठवा रही हूँ।
अफवाह क्यों हो रही हो, तुम भी तेल लगवा लो। नहीं, मुझे तेल नहीं लगवाना। मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? अम्मी आप तो जानती हैं ना, मैं इस तरह घर में कैद होकर नहीं रह सकती। आप अप्पू से बात करें ना, मैं फिर से कॉलेज जाने लग जाऊं। माहीन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं इस मौजू पे तुम्हारे अब्बू से कोई बात नहीं कर सकती, और खास तौर पे ऐसे हालात में जबकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम एक काम करो ना, प्राइवेट इम्तिहान दे दो, इससे तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी और अब्बू भी खफा नहीं होंगे। हाँ ये ठीक है, इसकी इजाजत मैं दिलवा सकती हूँ। बस यही पाबंदियां होती हैं जो किसी भी लड़की को मजबूर कर देती हैं कि वो बहुत बड़ा कदम उठाए। माहीन, सोच लिया करो बात मुंह से निकालने से पहले। इतनी अकड़, इतनी बगावत, ऐसी तरबियत तो नहीं की मैंने तुम्हारी। और एक बात मेरी याद रखना हमेशा, औरत को जिंदगी के हर कदम पे कुर्बानी देनी पड़ती है, चाहे वो बाप के लिए हो, शौहर के लिए हो या बच्चों के लिए हो। I'm sorry अम्मी, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी छोटी नहीं है कि मैं किसी के लिए भी कुर्बान कर दूं। अम्मी के वो कहने का मतलब नहीं है माहीन। माहीन बात तो सुनो। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को, परेशान करके रख दिया है मुझे तो। अरे भाई आप लोग प्लीज कुछ लेना। अरे नहीं भाई साहब, इस तकल्लुफ की कोई भी जरूरत नहीं है। तकल्लुफ की कैसी बात है वो? माशाल्लाह बेटी तो बहुत ही प्यारी आपकी, बस अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अरे हसन आओ आओ बेटा बैठो, बड़े अच्छे वक्त पे आए तुम, बैठो। इससे मिलो, वकास हैं, यूके से आए हैं एमबीए करके और अपने पापा का बिजनेस संभाल रहे हैं। हमारी किंजा के लिए परफेक्ट जोड़ा है ना? परफेक्ट है ना? जी मामा। मर्तबा कहा है मुझे आंटी कहा करो, ये मुमानी मुमानी सूट नहीं करता मुझ पे। सन बेटा घर पे सब खैरियत है ना? एक्सक्यूज मी। सब अच्छे मामू जान। अच्छा वो क्या बात कर रहे थे यार, हम बीच में रह गए। Thank you.
Obviously, this is Maya Ali. और मैं क्या कर रही हूँ फोन पे? मैं एक ऐप डाउनलोड कर रही हूँ, वो है ARY डिजिटल की, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना होता है हमारी फिल्म के बारे में, क्या क्या बात हो रही है. So just go and download this app on your phone. Thank you.